साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। वीकेंड चर्चा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वैसे वीकेंड चर्चा तो कई अन्य मुद्दों पर होनी थी, पर चूंकि कल की घटना ऐसी है जिसको लेकर अब चर्चा करना महत्वपूर्ण हो गया है। जहां एक तरफ योगी सरकार कानून व्यवस्था के दावे करती है, तो वहीं कल प्रयागराज में पूर्व विधायक राजू पाल हत्याकांड का तस्वीर गवाह उमेश पाल की दिन दहाड़े बमबाजी करते हुए दर्जन भर से ज्यादा हमलावरों ने हत्या कर दी, और साथ ही साथ उनके सुरक्षा गार्ड उसकी भी हत्या हुई और एक अभी फिलहाल गंभीर स्थिति में है। हत्या हुई, यहां बात हत्या की नहीं है, बात यहां तंत्र की है, कमी क्या रही। और यहां पर एक प्रश्न शायद न्याय व्यवस्था पर उठता है कि किसी मामले को इतना क्यों बढ़ाया जाता है, या जो दूसरा पक्ष होता है वो इतना कैसे उस मामले को बढ़ाता चला जाता है कि उसमें गवाही समय पर नहीं हो पाती है और सालों दर सालों मामले चलते रहते हैं। शायद अगर मामलों का निपटारा जल्दी हो सके, जैसे कई मामलों में होता है, कई में देखा है कि दो दो महीने में, छः छः महीने में, एक एक साल में फैसले हो जाते हैं, क्या ऐसे फैसले बड़े मामलों में नहीं हो सकते? होने चाहिए, नियति चाहिए और नियत चाहिए। खैर, यहाँ पर हम न्याय व्यवस्था पर प्रश्न उठाने नहीं बैठे, यहाँ पर हमारा मामला यह है कि प्रयागराज में जिससे हत्याकांड हुआ है वो एक बात स्पष्ट करता है कि हम बात तो कर रहे हैं पर कहीं ना कहीं अभी भी तमाम कसर बाकी है। हम बात तो कर रहे हैं पर अभी भी तमाम जगहों पर मुस्तैदी बाकी है। हम तैयारी कर रहे हैं, हम इन्वेस्टर सबमिट कर रहे हैं, हम 33 लाख करोड़ निवेश की बात कर रहे हैं, हम बेहतर माहौल की बात कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं माहौल में अब भी कुछ दिक्कतें हैं। सरेआम गुंडागर्दी, सरेआम हत्या स्पष्ट करती है कि अपराधियों में जो भय की बात सरकार करती है, कहीं ना कहीं या फिर वो भय केवल दिखावे का है या फिर उस भय में कुछ कमी होती जा रही है। फिलहाल इस घटना पर जिस तरह से सदन में हो हल्ला हो रहा है, होता भी है क्योंकि हमारे नेता जनता के मुद्दों को सदन में उठाना ज़्यादा बेहतर समझते हैं, सड़क पर संघर्ष हो अथवा ना हो। और यहाँ पर अखिलेश यादव और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जिस तरह से तीखी नोकझोंक हुई है वो स्पष्ट करती है कि आने वाले समय में भी ये मामला गर्माता रहेगा। खैर, मैरपुर चर्चा में से कुछ बयान सोचे, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। शूटिंग हो रही है दिन दहाड़े, गोलियां चल रही हो, बम चल रहे हो, धुआं उड़ते हुए देख रहे हो, और मुख्य जो गवाह है उसकी हत्या हो जाए, अधिवक्ता की हत्या हो जाए, सुरक्षा जो कर्मी थे उनकी हत्या हो जाए, और आखिरकार पुलिस क्या करी उत्तर प्रदेश में? और अगर समय पर इलाज मिल जाता जहां अस्पताल में पहुंचे हैं तो शायद किसी की जान बच जाती। आखिरकार ये सरकार कर क्या रही है? ये डबल इंजन काम घूम रहे हैं, और सिक्योरिटी का फेलियर, आपका इंटेलिजेंस फेलियर, कमिश्नरेट बता रहे हैं, कमिश्नरेट का लॉ एंड ऑर्डर बेहतर होगा। जिस अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया उसके परिवार के खिलाफ, वो समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर बंद करने का काम हमारी सरकार ने किया है। और फिर मैं कहता हूं इसे हम आज कह रहे हैं, इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। बम चलना, गैंगवार की तरह दिखाई देना, ये सरकार पूरी तरीके से असफल हुई है। सरकार के कानून व्यवस्था संभालने की कोई सीमा नहीं बची। ये जो जीरो टॉलरेंस कहते हैं, क्या गोली चलना जीरो टॉलरेंस है? बम चलना क्या जीरो टॉलरेंस है? मुख्य गवाह की हत्या हो जाना, वो अधिवक्ता है, उसको जीरो टॉलरेंस है क्या? और जो सुरक्षा में लगे थे उनकी भी जान चली जाना, बच सकते थे, लेकिन अस्पताल पहुंचने के बाद जो इलाज नहीं मिलना, ये है उत्तर प्रदेश का गवर्निंग बोर्ड, ये है नामराज। शर्म तो तुम्हें करनी चाहिए जो अपने बाप की सम्मान नहीं कर पाए, कम से कम इस बात को शर्म करनी चाहिए। किस प्रकार का आचरण होना चाहिए? हमने नाम नहीं लिया किसी का, लेकिन जो वक्तव्य कभी बोले गए हैं उन वक्तव्यों पे चर्चा महत्वपूर्ण है, इसलिए क्योंकि हत्याकांड हुआ है, चर्चा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो मुद्दा है ये सदन में लगातार उठाया जा रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरह से हत्याकांड हुआ उसके बाद समाजवादी पार्टी यहाँ पर सरकार पर हमलावर नजर आई, तो यहीं पर सरकार भी यहाँ पर सीधा सीधा आरोप लगा रही है कि जो माफिया है उनका पोषण सपा सरकार करती है।
फिलहाल घटना पर अभी हम सीधे आपको प्रयागराज चलते हैं। हमारे संवाददाता पवन पटेल हमें घटना की पूरी विस्तृत जानकारी देंगे और बताएंगे फिलहाल इस समय माहौल क्या है और क्या सरकार की वहां पर कार्रवाई चल रही है, पुलिस कहां तक सक्रिय है। पवन पटेल प्रयागराज जी। पवन बिल्कुल गौरव, अगर सिलसिलेवार घटना की बात की जाए तो घटना 2005 से 25 जनवरी को शुरू हुई, जहां पर शहर पश्चिमी से विधायक राजू पाल की दिनदहाड़े गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई। अगर उस पूरे घटनाक्रम की बात की जाए तो उस पूरे घटनाक्रम पे जो मुख्य गवाह थे उमेश पाल, वो एमपी एमएलए कोर्ट में इस पूरे केस का ट्रायल चल रहा था। कल देर शाम को जब वो कोर्ट से बाहर वापस निकले और अपने घर की ओर पहुंचे तो वहां पर अज्ञात हमलावरों ने गोली और बम मारकर हत्या कर दी। अगर पूरे घटनाक्रम की बात की जाए तो 18 साल बाद जिस तरीके से राजू पाल की 18 वर्ष पहले हत्या की गई थी, उसी तरीके से आज उनके मुख्य गवाह की गोली मारकर हत्या कर दी गई और ये पूरी घटना जो है कहीं ना कहीं वो सुनियोजित तरीके से की गई, क्योंकि जिस तरीके से दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या की गई, कई सवाल उठाए जा रहे हैं, चाहे वो पुलिस प्रशासन की व्यवस्था पर और चाहे खुलेआम जिस तरीके से गोलाबारी की गई है और बम फेंके गए हैं। अगर बात की जाए घटनाक्रम की, वहां पर सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है और सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पर देखा जा रहा है कि किस तरीके से हमलावरों ने पहले से पूरी घटना की रणनीति बनाई थी, उस तरीके से उस घटना को अंजाम दिया है। अगर बात की जाए देर शाम की तो देर शाम की जिले के आला अधिकारी प्रयागराज के जिला सारण में पहुंचे, जहां पर घायलों को पहुंचाया गया था, जहां पर जो मुख्य है उमेश पाल उनकी मौत हो गई और जो उसमें दो सुरक्षा कर्मी थे उसमें एक सुरक्षा कर्मी की मौत हो गई है। तो लगातार जो तस्वीरें हैं वो साफ तौर पर कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पर भी एक बड़ा सवाल खड़ा कर रही है। जी गौरव, यह है कि गवाह था, सुरक्षा मिली हुई थी, इसके बाद इतनी लंबी रेकी कर ली गई, पुलिस महकमा कहां तक दुरुस्त नजर आया? क्योंकि अगर कोई रेकी होती है या किसी पर हत्या की अंदेशा रहता है तो पहले से इनपुट रहते जरूर है। इतनी बड़ा हत्याकांड हो गया, 18 साल से लगातार मामला चल रहा था, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर चूक तो है, चूक न्याय व्यवस्था की भी है, चूक यहाँ पर पुलिस प्रशासन की भी है, कैसे देखते हैं? बिल्कुल, अगर पूरे घटनाक्रम को जैसे मैंने बताया सिलसिलेवार बात की जाए तो 2005 से जब घटना की शुरुआत हुई, जब राजू पाल को गोली मारी गई, दिन दहाड़े गोली मारी गई, उस समय पूरा इलाहाबाद था, उस समय प्रयागराज नहीं था, उस समय पूरा इलाहाबाद था और पूरे इलाहाबाद में इस घटना की जो है आज कहीं ना कहीं शहर वासियों को देखने मिली थी, जगह जगह आगजनी की गई थी, तोड़फोड़ की गई थी। और ये जो घटना है अगर दोनों को जोड़ा जाए तो कहीं ना कहीं दोनों घटनाक्रम एक दूसरे से मेल खाते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से राजू पाल को दिन दहाड़े गोलियों से भुना गया था, उसी तरीके से उमेश पाल जो इस पूरे घटना के मुख्य गवाह थे उनको भी कल देर रात को गोली मार दी गई थी और जिला अस्पताल में उनकी मौत हो गई है। तो कहीं ना कहीं जो तस्वीर है वो साफ तौर पर दिखा रही है कि इसमें एक बड़ी सी चूक है वो सामने आ रही है। जी गौरव, पवन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पुलिस की अब वहां पर क्या सक्रियता नजर आ रही है, टीमें लगाई गई हैं, लोगों को उठाया गया, लगभग लगभग 10 से 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें आदि के अमर के परिवार के तमाम लोगों को यहां पर गिरफ्तार किया गया है। आगे क्या स्थिति चल रही है, पुलिस का क्या कहना है और कितनी सक्रियता से जल्द से जल्द हमारे वालों की गिरफ्तारी हो पाएगी, क्या रहा? देखिए अभी आधिकारिक रूप से किसी के भी नाम सामने नहीं है। अगर पीड़ित पक्ष की बात की जाए तो पीड़ित पक्ष के जो परिवार के लोग हैं उन्होंने साफ तौर पर अतिक एंड कंपनी पर पूरे मामले का आरोप लगाया है। अगर बात की जाए प्रयागराज की तो पुलिस कमिश्नर प्रयागराज द्वारा देर रात को ही घटना स्थल पर जाके मौका मुआयना कर 10 टीमें गठित की गई है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जल्दी पूरे मामले का अनावरण किया जाएगा और पूरे मामले में जो दोषी हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अगर बात की जाए पुलिस प्रशासन की तो लगातार जो पूरे जनपद की जो पुलिस है वो कहीं ना कहीं पूरा जो जिला अस्पताल है वो और जो पीड़ित का जो मृतक है उनके घर पे अभी भी छावनी से ऐसा माहौल दिख रहा है और पूरी तरीके से जो पुलिसकर्मी वहां पे तैनात है तो पूरा जो इलाका है वो पूरी तरीके से छावनी बना हुआ है। अगर बात की जाए जिला प्रशासन की तो कल देर रात को ही जिले के जितने भी आला अधिकारी हैं वो अस्पताल पहुंचे थे और रमेश शर्मा जो प्रयागराज के कमिश्नर हैं उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि 10 टीमें गठित की गई हैं और जल्दी मामले का खुलासा कर लिया जाएगा। पवन जी गौरव, पवन क्या परिवारों से कोई बात हो पाई है, परिवारों की क्या टिप्पणी है और परिवार वालों की क्या स्थिति इस समय? क्योंकि हाँ, प्राइम टीवी ने जब उमेश पाल के परिजनों से बात किया तो उन्होंने साफ तौर पर इस पूरे घटनाक्रम का जो आरोप है वो अतीक अहमद कंपनी पर लगाया है। अगर बात की जाए अतीक अहमद की, अतीक अहमद का जो है जो वर्चस्व रहा है प्रयागराज में जब वो सांसद रहे हैं, हालांकि अभी अतीक अहमद साबरमती जेल में बंद है और इस पूरे घटना में उनकी पत्नी के नाम, उनके बेटों के नाम, अतीक अहमद के नाम का करीब 10 लोगों पर जो है नामजद मुकदमा दर्ज कराया गया, जो झुमनगंज थाने में देर रात को जो है तहरीर के आधार पर आज जो है वो मुकदमा दर्ज किया गया है। तो कहीं ना कहीं इसमें जो है जो परिजन है उनका आरोप साफ तौर पर अतीक एंड कंपनी पर जा रहा है और पुलिस जो है कई बिंदुओं पर जांच कर रही है। हालांकि सीसीटीवी के आधार पर अभी ये चीज स्पष्ट नहीं हो पाया है
कि वो शूटर कहां कौन थे, कहां से आए थे, क्या उनका रंग रूप था, किस तरीके से उन्होंने घटना को अंजाम दिया है। अगर पुलिस कमिश्नर रमेश शर्मा की बात की जाए तो छोटे छोटे वेपन से हमलावरों ने वहां पे जो है वो गोलियां चलाई थी और बम फेंके जाने की भी पुष्टि पुलिस कमिश्नर द्वारा की गई थी। जी पवन, यहाँ पर तमाम जानकारी के लिए अब सीधे आपको ले चलते चर्चा क्यों, क्योंकि यहाँ पर चर्चा भी महत्वपूर्ण है। और जिस तरह की जानकारी यहाँ पर मिल रही है कि 10 टीमें पुलिस प्रशासन द्वारा लगाई गई है, पुलिस लगातार सक्रिय है, और तमाम मैं आपको तस्वीरें यहाँ दिखा रहा हूँ कि किस तरह से यहाँ पर फुटेज आया हुआ है, किस तरह हमलावर यहाँ पर गोली मार रहा है सरेराम, यहाँ पर बमबाजी हो रही है, धुआं भी दिख रहा है आपको। और जो आप समय का आप बाजार देखेंगे तो चलता बाजार है, कोई वहाँ पर शांत रोड नहीं है, और दिन दहाड़े इस तरह की घटना का अंजाम देना निश्चित रूप से ये कानून व्यवस्था पर प्रश्न है, और ये प्रशासन को सरकार को खुली चुनौती शूटरों द्वारा दी गई है जिन्होंने भी हत्या किया है, क्योंकि कांड ये बड़ा है, किसी गवाही की हत्या करना, और न्याय व्यवस्था पर भी यहाँ पर प्रश्न इसलिए है कि 18 साल से ये मामला चल रहा है और इतने साल बाद भी अब तक इस पर कोई फैसला ना आना, कहीं ना कहीं यहाँ पर कुछ गलती न्याय व्यवस्था की भी है। क्यों इतना समय लंबा तक प्रक्रिया चलती रहती है, क्यों इतनी देर समय तक गवाही चलती है, मामला जल्दी खत्म नहीं होता, जबकि हम तमाम मामले ऐसे देखे हैं, तमाम रेप की घटनाओं से लेकर हत्या की घटनाओं में हम देखे हैं कि 1 साल 1.5 साल 6-6 महीने में करना फैसला आया है। तो शायद ऐसी कुछ नज़ीर प्रयागराज और तमाम जैसे बड़े बड़े हत्याकांडों में आपको पेश करनी होगी, न्याय व्यवस्था पर भी यहाँ पर एक सक्रियता दिखानी होगी, क्योंकि अगर सक्रियता नहीं दिखाएंगे कहीं ना कहीं इस तरह की घटनाएं वो दुखद होती रहेंगी, कहीं ना कहीं जो मानवता है उसको संसार करती रहेंगी, जिसके परिवार का मुखिया गया है उस परिवार का दर्द को कोई बांट नहीं सकता। पर फिलहाल योगी सरकार इसको लेकर लगातार सख्त है, और योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से संसद में विधानसभा में बयान दिया है कहीं ना कहीं स्पष्ट करता है कि इस मामले को लेकर वो कहीं भी अब कोर कसर नहीं छोड़ने वाले, लगातार गिरफ्तारी चल रही है और पूरी तरह सख्त नजर आ रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह भी है कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि केवल एक हत्या नहीं है, अगर हम बात करें तो राजधानी लखनऊ में भी तमाम तरह की घटना लगातार होती रहती है, सरेआम गुंडागर्दी भी हो रही है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रशासन को व्यवस्थित करना पड़ेगा, कानून व्यवस्था का पाठ लोगों को पढ़ाना पड़ेगा, और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसके लिए हमको तैयारी भी करनी होगी। फिलहाल चर्चा महत्वपूर्ण है, हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, मैं आपको रूबरू करा दूं, विवेक श्रीवास्तव भारतीय जनता पार्टी पक्ष रखेंगे, संजय मोहम्मद तकी प्रवक्ता आम आदमी पार्टी पक्ष रखेंगे, प्रवक्ता कांग्रेस से विनोद सिंह अपना पक्ष रखेंगे, और प्रवक्ता सपा से उनके प्रवक्ता भुवन भास्कर जोशी अपना पक्ष रखेंगे। आप सभी मेहमानों का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरा पहला सवाल रहेगा प्रवक्ता भाजपा से, विवेक भाई घटना बड़ी हुई है और फिलहाल विपक्ष हमलावर है, रसूख सरकार का 33 लाख करोड़ के निवेश की बात कर रहे हैं, माहौल की बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये प्रश्न उठ रहा है सरकार की व्यवस्थाओं पर, दिन दहाड़े हत्या कैसे देखते हैं आप? जी जिस श्रृंखला के अपराधी अतिक्रमत रहे, अच्छा, वो श्रृंखला पुलिस की फाइलों में सैम श्रृंखला के नाम से जानी जाती है। अच्छा, ये पूरा एक नेटवर्क था अपराधियों का, सिवान में सैयद शहाबुद्दीन जी, इलाहाबाद में अतीक अहमद और मऊ में मुख्तार अंसारी। अच्छा, और उस नेटवर्क को जिस तरह से तोड़ने का काम हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में कर रही है, वो पूर्ववर्ती सरकारों में कभी नहीं हुआ। जी पूर्ववर्ती सरकारों में अपराधी खुलेआम घूमते थे, जेलों में दरबार चलाते थे, और तो मुख्तार अंसारी पूरे दलबल के साथ DGP ऑफिस में घूमते नजर आते थे। अच्छा, और इनको अन्य सरकारों का संरक्षण भी हासिल था। अन्य सरकार नाम बता दीजिए सरकारों का। एक बार जब कल्याण सिंह यहाँ मुख्यमंत्री थे तो उसके समय में कुछ कार्रवाइयाँ इन अपराधियों पर हुई थी, उसमें मुख्तार उत्तर प्रदेश छोड़ के भाग गया था। अच्छा, उसको हरियाणा में एक मुख्यमंत्री के फार्म हाउस पर शरण मिली थी। अच्छा, यूपी पुलिस वहां से खाली हाथ लौट आई थी। ठीक, इस बार भी मुख्तार यूपी पुलिस का हाथ नहीं आ रहा था जी, पूरी पूरी पंजाब सरकार उसको शेल्टर दे रही थी। अच्छा, बहुत जद्दोजहद के बाद हाई सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया, तब जाकर के मुख्तार उत्तर प्रदेश पुलिस के सुपुर्द हो पाया। ठीक, तो दुखद ये है कि लोग राजनीतिक लोभ में ऐसे अपराधियों का संरक्षण देते हैं। अच्छा, इसमें मुलायम सिंह जी का नाम सर्वोपरि है। अच्छा, पूरे उत्तर प्रदेश में अपराधियों को संरक्षण देने और राजनीति के अपराधीकरण के लिए मुलायम सिंह जी जाने जाते हैं। अच्छा, ये सारे अपराधी उन्हीं के शासन काल में पुष्पित पल्लवित हुए और ऊंचे ऊंचे मकामों तक पहुंचे। अच्छा, अतीक अहमद अपने पूरे राजनीतिक जीवन में दो पार्टी में रहा। अच्छा, एक समाजवादी पार्टी में उसका सबसे ज्यादा समय बीता जी, और दूसरा समय उसका कुछ दिन का है अपना दल में जी, सोनेलाल पटेल जी के साथ जी, वो विधानसभा में आया। ठीक, इसके अलावा वो और किसी दल में नहीं रहा। ठीक है, और मुलायम सिंह जी का अतीक अहमद से कितनी इंटीमेसी थी
आप कुछ ऐसी फोटो भी सोशल मीडिया पर वायरल, जिसमें मुलायम सिंह उसके कुत्ते से हाथ मिलाते दिख जाएंगे। ये कौन सी बात है? मैं मजबूरी बोल रहा हूँ। अच्छा। आप देख लीजिए, दिख जाएंगे। तो कुत्ते से हाथ मिलाने में ये कौन सी बात है? फोटो है। अच्छा, एक मुख्यमंत्री अगर अतीक अहमद जैसे अपराधी के कुत्ते से हाथ मिला रहा, तो इससे जनमानस में क्या मैसेज जाएगा, कानून के रनुवाओं में क्या मैसेज जाएगा? इसको आप उस प्रक्रिया से जब सोचेंगे तो आप इस फोटो के गंभीरता का या इस फोटो के अर्थों का अंदाजा लगा लेंगे। जो है मैं वो बता, यानी सब पूरा यहाँ पर आरोप सपा पे ठोक दीजिए। मैं सपा पे नहीं ठोक रहा, मेरी बात सुन लीजिए। हाँ, ये कोई छोटे मोटे अपराधी नहीं रहे। अच्छा, ये पूरे पूरे अपराध में सरकार है, सरकार को चुनौती देने वाले अपराधी रहे। अच्छा, इनको, इनके सिस्टम को, इनके सिंडिकेट को नेस्तनाबूत करने का काम अगर किसी ने किया है तो योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में अपराधी इधर उधर जेलों में अपने समय गिन रहे हैं। अब जिस घटना की बात हो रही है, सही बात है, उमेश पाल इस मामले का मुख्य गवाह था, गवाही चल रही थी, गवाही अगली तारीख में कंप्लीट होने को थी जी। उसको लगातार सिटिंग थी, सरकार की तरफ से उसको दो दो सुरक्षाकर्मी दिए गए थे, एक सुरक्षाकर्मी खुद शहीद हुआ है, एक सुरक्षाकर्मी अभी इलाज के लिए में जूझ रहा है अपने प्राणों के लिए जी। तो ऐसे में ये नहीं कह सकते कि सरकार की तरफ से सुरक्षा नहीं थी। रंजिशन हत्याएं गौरव जी किसी शासन काल में समाप्त नहीं होती। अच्छा। सरकार की नीयत, अच्छा, उन अपराधियों के प्रति क्या है, उनके ऊपर कार्रवाई से दिखती है। अच्छा। दस दस टीमें बनी है, शाइस्ता परवीन, अतीक अहमद की पत्नी, उसके दोनों लड़के पुलिस के गिरफ्त में आ चुके हैं। अच्छा। और लोग तलाशे जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कोई बक्सा नहीं जाता। रंजिशन हत्या आप नहीं रोक पाएंगे, बाकी हत्या रोक लेंगे। मेरी बात समझिए, संगठित अपराध, रंजिशन हत्या, जैसे मैं मान में बना लूं कि मुझे आपको मारना है, अच्छा, तो मैं कांड तो कर जाऊंगा, अच्छा, परंतु उसके बाद की जो सजा होती है, हाँ, उस पर सरकार की नियति क्या है, सरकार की मंशा क्या, वो साफ दिख जाती है। आपको लगता है विवेक भाई, यहाँ पर 18 साल केस चलते हैं, सरकार को भी यहाँ पर कोशिश करनी चाहिए केस जल्दी खत्म हो। अब इस पे भी आ जाइए, इस 18 साल में 5 साल समाजवादी पार्टी का रहा, अच्छा, उसके पहले मुलायम सिंह जी का रहा, अच्छा, बीच के कालखंड में बहन मायावती जी रही, अच्छा, और आपको इसके किस्से नहीं मालूम होंगे। हाँ। नसीमुद्दीन अतीक अहमद से मिलने जेल जाते थे। अच्छा। जब मायावती जी यहाँ मुख्यमंत्री थी, ठीक है, तो अब आप समझ लीजिए कि सरकारों की अतीक अहमद के इस समय स्थिति क्या रहती थी। अच्छा। कि प्रमुख मंत्री जेल में मिलने जाते थे, दंडवत करते थे। हाँ, दंडवत करते। तो ऐसे में अब उसका मुकदमा कौन खोले? अच्छा। और कौन उस मुकदमे, अब आप समझ लीजिए कि मुख्य गवाह की गवाही आज हो रही है जी, ये हमारे शासन काल में होने की नौबत आई। अगर हमारा शासन न होता, गवाही नहीं हो रही थी, ये फाइल बंद होकर के ठंडे बस्ते में चली जाती। अच्छा। दाखिल दफ्तर हो जाती, पता नहीं चलता इस फाइल का। अच्छा। ये तो भारतीय जनता पार्टी ऐसे अपराधियों के मुकदमे चुन चुन के खोले जा रहे हैं, उनको उनके अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। अच्छा। नहीं तो अगर और कोई पॉलिटिक शासन होता, ये फाइल तो मंडल पर चली जाती। आप विपक्षियों पर क्यों टारगेट कर रहे हैं? ये लोग कराए हैं, ये लोग पोस्टेड किए हैं। ये नहीं कहा कि जो भी करेगा कराएगा, बक्सा तो नाम तो नहीं रहे, उसमें कहना क्या है? हमने ये नहीं कहा, हमने ये कहा कि इनको संरक्षण देते रहे। आज अतीक अहमद जैसा ये इसका, मैं अतीक अहमद को आप बहुत कायदे नहीं जानते होंगे, अतीक अहमद सलीम सरवानी की फैक्ट्री में अदना सा कबाड़ी था, कबाड़ खरीदता था, और उसके पिता बैलगाड़ी ले बैल से हार जोतते थे। मैं उसको वहां से जानता हूँ। एक समय था कि जब ये चांद बाबा के मर्डर केस में हाईलाइट हुआ। अच्छा। और वहीं से अतीक अहमद का नाम हुआ। चांद बाबा के जो समर्थक भाग करके महाराष्ट्र चले गए, मुंबई वगैरह, उनको भी जाकर के हाजी अली की दरगाह पे हलफ उठा के ले आया। इसको अपराधी इतना बड़ा कैसे हुआ, मैं उस पर बात कर रहा हूँ। कौन बड़ा किया? बड़ा बनाने में पूरा पूरा हाथ मुलायम सिंह जी का है। ये बात है, ठीक है। प्रोफेसर भवन भास्कर जोशी, जोशी जी, मुलायम सिंह का हाथ बता रहे हैं कि उनका हाथ रहा है, उन्होंने पोषण किया है, हम लोग तो उनके केस खोल रहे हैं, हमें लोग गवाही करा रहे हैं, आपकी सरकारों में केवल दंडवत होते थे, पूरा आरोप यहाँ पर समाजवादी पार्टी पर लग रहा है, कैसे देखते हैं? देखिए गौरव भाई जी, आज जो शासन प्रशासन है जी, उसकी क्या हालत है, ये विषय तो मैं आपको बताऊंगा ही बताऊंगा, क्योंकि आज मुख्य डिबेट का जी यही का आज विषय है, तो इस पर तो मैं बताऊंगा जी। लेकिन मुझे लगता है कि आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता या नेता विवेक जी का गणित भी खराब हो गया है। अच्छा। ये 18 शासन की बात आई, और मैं अंगणित में बहुत होशियार रहा, और जी गणित में बहुत विषय होते हैं, लेकिन अन्य विषय में तो इतना होशियार नहीं, लेकिन अंगणित मेरा बहुत अच्छा, मैं आज भी कैलकुलेटर का यूज नहीं करता।
अच्छा अंग्रेज अच्छा है आपका, ठीक है। 18 साल में महाराज जी, आप बोल रहे कि 18 साल से केस चल रहा है, 6 साल से आपकी सरकार चल रही है, 6 साल से आपकी सरकार चल रही है, और आप अब तक बड़ी बड़ी बातें करते रहे कि योगी जी का जो बुलडोजर है उसका इतना आतंक है कि अधिकार जो अपराधी लोग थे या तो जेल में है या बेल में है या रेल में है, ये बातें आप करते रहे पूरे उत्तर प्रदेश को आप गुमराह करने का काम करें। हम दूसरी बात कहते हैं कि माननीय योगी जी की सरकार में ये जिनकी हत्या हुई है ये एक आम व्यक्ति तो थे नहीं, ये तो एक खास परिवार से आते थे, समृद्ध परिवार से आते थे, लेकिन क्या आम क्या खास कोई नहीं छोड़ा जाएगा। अच्छा। ये आपने सिद्ध कर दिया है कानपुर की घटना के आम व्यक्ति और प्रयागराज के खास व्यक्ति, यानी नंबर सबका आएगा, आम और खास कुछ नहीं रहेगा। ये योगी सरकार और विवेक जी ये आपकी सरकार है जी। और एक और कहावत है हमारे विवेक जी, आप पता नहीं कहाँ रहते हैं, मैं तो गांव से जुड़ा रहता हूँ, गांव की पृष्ठभूमि का व्यक्ति हूँ। एक हमारे गांव में कहावत है, अगर पड़ोस के घर में चोरी हो जाए तो खुशमत होइएगा। अच्छा। क्योंकि अगला नंबर आपका है। अच्छा, किसका, इनका है? जब ये बुलडोजर जाति विशेष और धर्म विशेष पे चल रहा था तब कुछ लोग शायद खुश थे, कुछ लोग खुश थे, लेकिन अब ये जो माननीय योगी जी का बुलडोजर है ये आम आदमियों को और खास आदमियों को दोनों बराबर झेलना। अच्छा, ये नहीं बुलडोजर माफिया पे चला था, आप दुखी थे क्या जोशी जी? अगर गुंडों पे बुलडोजर चला आप दुखी थे क्या? आप बोले कुछ लोग खुश थे, आप दुखी थे क्या? गौरव जी हमने क्या कहा? हाँ। हमने कहा जब ये धर्म विशेष और जाति विशेष के लोगों, मैंने कहा अपराधी के, आपको पता मैं लॉ पढ़ने और पढ़ाने वाला व्यक्ति हूँ, मैं किसी अपराधी की संगत में या उसको बचाने में विश्वास नहीं करता। मेरा मानना है कि गरीब के लिए भी कानून वही होना चाहिए और अपराधी के लिए भी होना चाहिए, सबके लिए बराबर कानून होना चाहिए। धर्म विशेष क्यों बोल रहे हैं आप? बोलिए ना, अपराधी में चल रहा था, ये धर्म विशेष की बात क्यों ले आए भैया आप लोग? अपराधी अपराधी होते, धर्म विशेष का मतलब उसका जी। हम बताते रहते थे ना, वो हम सदन में भी कहते, सड़क में भी कहते हैं, अपराधी अपराधी किसी धर्म का हो, हिंदू का हो, मुस्लिम का हो, सिख को, ईसाई हो, कोई भी हो, अपराधी अपराधी होता है, उसको धर्म धर्म से क्यों जोड़ रहे हैं आप लोग? गौरव जी ये आपको भी पता है कि इसकी आड़ में कुछ लोगों को, हमारी पॉलिटिकल पार्टी के ही लोगों को टारगेट करा गया। अच्छा, ये बात आई जाति विशेष के लोगों को आया। अच्छा, ये विषय अभी आपके संज्ञान में है। गौरव जी आप इतने नादान पत्रकार नहीं, मैं आपको बहुत पहले से जानता हूँ, आपके बारे में पढ़ता रहता हूँ, ठीक है? आप इतने नादान पत्रकार नहीं है कि मुझे नहीं समझ पा रहे हैं, चल ठीक है, लेकिन आप समझते हैं, लेकिन चलिए यही पत्रकारिता है कि हमारे मुंह से आप निकलवाना चाहते जी, बोलिए। दूसरा विषय मैं कहना चाहता हूँ, आज आपका ना विवेक जी जो दिन है, आज हर क्रिकेट के मैच जब होता है तो ये रोज ये नहीं होता कि हर पहली बॉल पे छक्का मारा जाए, कभी कभी डिफेंस भी हो जाता है। अच्छा। आज जितनी देर बहस चलेगी विवेक जी, आज आपको डिफेंस में रहना है। आज प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, आज अटैकिंग में मैं रहूंगा, और आप जिस जब भी डिफेंस में आऊंगा मैं बीच में, जब भी आप अटैकिंग में आएंगे मैं बीच में आऊंगा, क्योंकि आपकी सरकार के रवैये को जो आपका जो आभा मंडल दिखता है वो अलग है और अंदर से कुछ और है। कानपुर की घटना ने ताजा ताजा उदाहरण है, और प्रयागराज की बात हो रही जोशी जी, जो कानपुर भाग रहे हो, प्रयागराज जाओ जी, कानपुर ना भागो, प्रयागराज में आओ। आप ध्यान से सुनो विवेक जी, अगर आप चाहते हो डिबेट का तरीका आपका यही है तो मैं इस तरीके कहानियां ना बताइए जोशी जी, विषय पे बात करिए विवेक जी, हमने आरोप की बात सुनो, हमने जो विषय बताया आप उस पे बात करिए। तरीका डिबेट का ये रहे, डिबेट का तरीका बोलेंगे करना, गौरव जी का काम ही हम आपको तय करेंगे। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, विवेक भाई विवेक भाई, अभी आप बात जोशी जी बात करिए, जो बात पूरी करिए जी, बात पूरी करिए, उनको समझा दीजिए कि जरा जरा, मैं समझा दिया, वो समझा दिया, ठीक है। हाँ ठीक है ठीक है, बोलिए। और दूसरा मैं कहना चाहता हूँ, ये जो बहुत अप्रिय घटना है जी, इस पे तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, और जिनका नाम ये ले रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कोई भी कितना बड़ा अपराधी हो, आप भी लीजिए ना, आपको लेने का दर्द हो रहा मुंह में। विवेक भाई प्लीज अपने मुद्दे पे बोलिए, अपने टर्न पे बोलिए, आप भी लीजिए नाम। विवेक जी प्लीज 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 अपने अपने टर्न पे बोलिएगा, बोलिए बोलिए, अपने समय पे बोल लीजिए जी, आपको मौका मिलेगा, आप डिफेंस ही करेंगे, डर लगता है क्या अपराधियों से? विवेक जी आज आपका दिन नहीं है, आपका दिन नहीं होता है, दिन आपका होगा, हमारा तो देश है, प्रदेश है, जिला है जी, बोलिए बोलिए जोशी जी, बोलिए
बात पूरी करिए दिव्य भाई प्लीज। मैं आज तय करके आया हूँ कि आज मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को अपने टाइम में बोलने नहीं दूंगा, डिबेट हो ना हो ये आज आप डिफेंस में रहोगे क्योंकि आपने कानपुर की घटना में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये प्रयागराज की घटना में डिबेट हो रही है, कहां कानपुर पहुंच जा रहे हो, कैसी पढ़ाना चाहता है आपका बुलडोजर, ये प्रयागराज की बात हो रही है जी, बुलडोजर गरज रहा है प्रयागराज में और गरजेगा, बुलडोजर अभी तीन का घर गिरा है, उसके साले का घर गिरा और गिराएंगे, मट्टी में मिला देंगे ऐसे अपराधियों को, कोई बचने वाला नहीं है, मट्टी में मिला देंगे, बुलडोजर चलेगा कल चला है और ये कानपुर में भी आपका बुलडोजर चल रहा है, ये जो बुलडोजर है आपका इसके साइड इफेक्ट समाज में आने लग गए हैं, ये साइड इफेक्ट है, क्या कहना चाह रहे समाजवादी प्रवक्ता गौरव जी से पूछे कहना क्या चाह रहे हैं, ये विषय से भटक गए, जवाब आपको देना है, गोले दिन दहाड़े चल रहे हैं जी, इतना ये आज स्थिति है प्रशासन की कि बम जो है दिन दहाड़े चल रहे हैं आपकी सरकार में योगी सरकार में, ये कहना चाहते हैं, अच्छा ठीक है, आपको बताना चाहते हैं ये दिन दहाड़े की घटना है, ये कोई घटना चुपके से नहीं हुई है, रात्रि की आड़ में नहीं हुई है, भी दिन दहाड़े मारे गए थे सड़क पर दौड़ा के मारे गए थे, अखिलेश मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री थे, उस घटना को याद कर लीजिए, आपकी सरकार की पोल खोलती है ये कानपुर की घटना, ये प्रयागराज की घटना आपकी सरकार की पोल खोलने का काम कर रहा है, ठीक है ठीक है, ठीक है सुनते रहिए, ठीक है हो गया और मेहमान भी है, और मेहमान भी, अगले टर्न हो सकता है, ठीक है हो गया, प्रवक्ता कांग्रेस विनोद सिंह, विनोद भाई घटना हुई है शर्मनाक है निंदनीय है, और यहाँ पर जिस तरह की कार्रवाई चल रही है उसके बाद भी लगातार इस तरह की घटना होना स्पष्ट करता कहने की थोड़ी सी कमी है, कैसे देखते हैं आप और इस घटना पे क्या करना चाहिए? देखिए गौरव जी, भारतीय जनता पार्टी या सरकार से जुड़े हुए जो लोग हैं जब तक इस पर ठोस प्रमाणिक कार्रवाई किए बिना केवल जाति धर्म और सबसे बड़ी बात है उसकी पार्टी देखकर अगर कार्रवाई करते हैं जी, तो पार्टी देखी कार्रवाई समझ नहीं आया, बता रहा हूँ, बता दीजिए, इनका मनोविज्ञान, माफियाओं का मनोविज्ञान समझिए, अच्छा माफिया प्रवृत्ति के लोग आज सर्वाधिक संख्या में अगर कहीं पर हैं, पॉलिटिकल संरक्षण ले रहे हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी, ये कौन सी बात हुई, ये कहाँ के आंकड़े हैं भाई, अरे क्योंकि उसका कारण है, देखिए जो रहे हैं क्या माफिया रहे क्या बसपा में, सरकार में जो लोग माफिया प्रवृत्ति के लोग किसी भी पार्टी के साथ निष्ठा और विचारधारा के तौर पर नहीं जुड़ते हैं, अच्छा वो अपनी सुरक्षा के लिए, अपने तामझाम के लिए, अपना जो उनका क्रियाकलाप उसको चलने के लिए चलाने के लिए चलते हैं, जाहिर सी बात है इस समय भारतीय जनता पार्टी डबल ताकत के साथ डबल इंजन के साथ पूरे तौर पर साथ है, और इन्होंने तो ये दावा किया है कि इनके पास ऐसी मशीन है, ऐसा सिस्टम है कि कोई से भी दाग हो, कितने भी खराब हो, उसकी पृष्ठभूमि खराब हो, लेकिन इनको सारे दाग पसंद हैं, और इनकी मशीन में धुलने के बाद, इनके पार्टी ज्वाइन करने के बाद सारे दाग रहित हो जाते हैं, दाग नहीं रहते, रियल है क्या ये लोग, नहीं ऐसी बात ये ऐसा दावा करते हैं, लेकिन अब उसका दूसरा पहलू देखिए, उसका दूसरा पहलू है जब इनकी पार्टी अंतर मन में, हमारे विवेक भाई भी इस चीज से पीड़ित और प्रताड़ित होंगे, अच्छा। परेशान होंगे, अच्छा। क्योंकि ये भी आम शहरी की भावना को समझते हैं, अच्छा। लेकिन राजनीतिक मजबूरी है, पार्टी का दबाव है, इसमें औपचारिक रूप से कह नहीं पाएंगे, लेकिन इनका भी दर्द उसी तरीके से है, ये माफियाओं की एंट्री से अपनी पार्टी में ये खुद साइडलाइन हो गए, परेशान है, देखिए साइडलाइन है, परेशान है, परेशान है, हाँ ये आपके कार्यक्रम, मैं बता रहा हूँ, देखिए अभी आपने देखा लखनऊ की घटना है, राजधानी की घटना गैंगवार के तहत हुई, कई बार खबरों में उसके केस भी चल रहे हैं, आजमगढ़ जौनपुर से संबंधित मामला, लेकिन सरकार का कोई संतोषजनक जवाब नहीं आ रहा है, नाम आप सब जानते हैं, राजनीतिक रूप से बड़े बड़े उत्तर प्रदेश के माफिया जो कार्रवाई हो रही है, नामचीन माफिया कार्रवाई हो रही है, सरकार उन पर मौन क्यों है, कौन से माफिया इन कार्रवाई हो रही है, चुनाव में खुलेआम सरकार को, भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने का काम करते हैं, इनके कोई भी राजनीतिक हित बिना उन माफियाओं के पूरा नहीं होते, ये तो इससे बच नहीं सकते, और देखिए माफिया प्रवृत्ति के जो लोग हैं ये घटना बहुत दर्दनाक है, मैं
परिवार के प्रति पूरी तरीके से सहानुभूति रखते हुए भारतीय जनता पार्टी से योगी जी से ये मांग करता हूं, बात बहुत हो गई, अब काम करने का समय है। आपके यहां जो माफिया प्रवृत्ति के लोग हैं, सबसे पहले आप उनको बाहर करने का काम करिए। भूल जाइए कौन सी विधानसभा, कौन सी लोकसभा, कौन सा जिला आपका राजनीतिक रूप से प्रभावित होगा। आप सीट के कैलकुलेशन में उत्तर प्रदेश के आम शहरी के साथ अन्याय नहीं कर सकते। आपने जो तमाशा बना के रखा है, कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश की ध्वस्त हो चुकी है, लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज नहीं है। जब इस प्रकार से मैं गौरव जी की बात को ही कोट कर रहा हूं, विवेक जी की बात को, जब इनको मालूम है अगली तारीख में फैसला होने का बात थी, तो क्या ये इलाहाबाद की पुलिस व्यवस्था, लखनऊ के जिम्मेदार शासन से जुड़े हुए लोग इसको ठीक से मॉनिटर नहीं कर पा रहे थे? ये जान नहीं पा रहे थे कितनी डेंसिटी का केस है ये? उसको पर्याप्त सुरक्षा क्यों नहीं उपलब्ध कराई गई? इस तरीके से लापरवाही क्यों हुई? इसकी जिम्मेदारी कौन होगा? क्या अभी तक जुड़े हुए सारे लोग लखनऊ से लेके वहां तक बर्खास्त हुए, क्या उन पर कोई कार्रवाई तय हुई? ये रस्मदायगी से काम नहीं चलेगा। आम शहरी को खुली हवा में सांस लेने का, जीने का हक है। आप क्या संदेश देना चाहते हैं कि कोई अपनी कानून की, अपनी केस की पैरवी ना ठीक से कर पाएगा, और आप राजनीतिक रूप से इतना निर्भीक होकर उलझुल बयानबाजी करेंगे? ये सरकार आपकी है, व्यवस्था चलाने की जिम्मेदारी आपकी है, सुरक्षा देने की जिम्मेदारी आपकी है। ठीक है। ये ध्वस्त हुई व्यवस्था को, की सच्चाई को स्वीकार करने की आदत डालिए। ठीक है। सही है मोहम्मद तकी। एक मिनट का मैं विनोद जी भाई प्लीज बात आएंगे, इनके जवाब ले लें। बोलिए तकी भाई, बोलिए। देखिए आप लगातार देख रहे इस तरह के बयानबाजी की जाती है और डायलॉग बोले जाते हैं विधानसभा के अंदर, चिल्ला चिल्ला के, और सारे डायलॉग जो उल्टे पड़ जाते हैं। अच्छा, योगी सरकार जो कह रही है कि हमारे उत्तर प्रदेश से जो अपराधी जो है वो भाग गए हैं, खुद ही सरेंडर किए दे रहे हैं और तख्ती लाके अपना नाम फोटो खिंचा रहे हैं कि हमें अंदर कर लीजिए, हम तो मामले आ रहे हैं, देखने को आ रहा है, हम लोग देख रहे हैं। फर्जी इनकाउंटर किए गए उत्तर प्रदेश के अंदर लगातार आपने देखा, उसके बाद भी अपराध कहीं रुकने का नाम नहीं ले रहा है। कोई हफ्ता ऐसा नहीं जाता जिसके अंदर आपको तीन चार बड़े संगीन, अरे कहते रहे रंजित सिंह अपराध कहाँ रोक पाएंगे, कोई नहीं रोक पाएगा, बोला तो उन्होंने। अरे क्यों हत्या की योजना बना के आया, हत्या करके जाएगा? ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये इस तरह के बयान दे के अपराध को संरक्षण न चाहते, अपराधियों को संरक्षण न चाहते। अच्छा, अगर सरकार चाह जाए तो राजनीति से अपराधियों को हटाया जा सकता है। अच्छा, और बीजेपी सरकार जिस तरह काम कर रही है पिछले कई सालों से लगातार, वो राजनीति संरक्षण दे रही है। इनके जितने मंत्री बने उसमें से ज्यादातर मंत्री के ऊपर कितने संगीन केसेस लगे हुए हैं, संगीत चार्जेस लगे उनके ऊपर। अच्छा, उनको संरक्षण दिया। इनके केशव प्रसाद मौर्य के ऊपर केस लगे हुए, योगी नाथ जी के ऊपर केस लगे हुए, हमने केस खुद को ओके दो केस से मुक्त कर लिया इन्होंने, और इनके संगीन केस लगे इनके अंदर लोगों के ऊपर जिनके मिनिस्टर इनके अंदर, तो जितने भी माफिया टाइप के लोग हैं, जितने भी राजनीतिक माफिया हैं, वो सबको संरक्षण प्राप्त है बीजेपी सरकार द्वारा, या बीजेपी मंत्री बीजेपी के अंदर आ चुके हैं। अच्छा, बाकी लोग जो है वो समाजवादी पार्टी में है, उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है। आप देखिए बुलडोजर की बात करते हैं, बुलडोजर चलाते हैं, कितने बुलडोजर जो है वो क्रिमिनल्स में चले, ज्यादातर बुलडोजर चले वो पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स पर लड़े जिनके पॉलिटिकल कनेक्शन थे ज्यादातर। कौन सा किसके ऊपर चले, नाम बता दीजिए। अरे आप देखिए जितने भी कांड हुए, प्रकरण हुए, उसमें जो बुलडोजर चले, अगर वो लीडर्स माफिया है तो दर्द क्यों आ रहा है? जो माफिया, जो पॉलिटिकल कनेक्शन है, अगर कोई पॉलिटिकल आदमी है, तो आप बताइए कि आप बीजेपी के किसी नेता का कोई कोई प्लॉट गैर का, ये बात कही ना आप, ये बात कही है, अभी खबर आई है, ये बात कही है, बुलडोजर गलत चला है, प्लॉट लिए बैठे हुए गलत चला, तो उसके लिए आप मांग उठाइए, कारपोरेट घटना हुई बिल्कुल मांग उठाइए, कहां मांग उठाएं, कौन सुनने वाला जनता की आजकल? अच्छा, जो मनमानी हो रही है। अच्छा, बीजेपी जो है जनता को ठग रही है। अभी देखिए इन्वेस्टमेंट सबमिट हो रही थी, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट करोड़ों रुपए पानी से, वो सबमिट के अंदर दिखाया जाता है यूपी की सुरक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी है। अच्छा, माहौल बड़ा अच्छा है, कानपुर का प्रकरण हुआ, हाँ। अभी यहाँ ये इलाहाबाद का प्रकरण हुआ है, हाँ। सरे आम देखिए जो वीडियो फुटेज आ रहे हैं, जो लोग बंदूक चला रहे हैं, हाँ। वो लग रहा है प्रोफेशनल लोग हैं, उनको बंदूक चलाना आती है, ऑटोमेटिक सच्चाई सामने आ, ऑटोमेटिक वेपन चलाए गए हैं, और ये दो दर्जन लोग थे जिन्होंने हमला किया है, 24 लोगों ने हमला किया, दो दर्जन एक आदमी, तो उत्तर प्रदेश देखिए उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था भारत के अंदर सबसे खराब है, सबसे ध्वस्त है, और मुझे कहते हुए कि जो स्टेट में थे आप, जो स्टेट प्रोफेसर भवन भास्कर जोशी जी, जी 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 अटैकिंग मोड आपको नजर नहीं है, कहाँ चले गए, आवाज नहीं आ रही आपकी। जी बोलिए। नहीं नहीं, मैं विषय पे आ रहा हूँ। जी तकी भाई बोलिए, मैं बोल रहा हूँ। बोलिए बोलिए गौरव भाई जी, आप तो शुरू से देख रहे हैं, मैंने ना तो किस
बारे में बोलता हूँ जी आपके साथ कई बड़ा आपका अटैकिंग मोड आपने बोला है, खुद बोला आपने अटैकिंग मोड पर रहेंगे ठीक है अभी आपकी बात लेता हूँ अभी आपकी बात लेता हूँ ताकि बात पूरी करी ताकि मजे में टकी बोलिए जो स्टेट जिनका नाम आता है जहाँ पे अपराध बहुत ज्यादा है और लाख लगातार बार बार दिखाया जाता है खालिस्तान आतंकवाद ये सब क्या आता है बीजेपी द्वारा ध्यान भटकाने के लिए मुझे देख कहते हुए खेद हो रहा है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बहुत बदतर है बस यहाँ बंदूकें देसी बम कट्टे चलती है ऑटोमेटिक उससे चलती है AK-47 नहीं चलती उठा के देख लिया आप यहाँ कानून व्यवस्था कितनी कितनी हत्याएं हो रही है आपको देख के बहुत शौकीन लगेगा यह हत्याएं बहुत ज्यादा है जवाब दीजिए भाई देखिए सबको दिक्कत है भाई बोलिए हमारे कांग्रेस के मित्र जिस तरह बता रहे थे कि अपराधियों को संरक्षण है नहीं दे रहा क्या MP-MLA कोर्ट की स्थापना भारतीय जनता पार्टी सरकार में हुई है ठीक है MP-MLA के मुकदमे फास्ट ट्रैक कोर्ट की तरह वहां सुन के उनको निपटाया जा रहा है जमानत भी हो जाती जल्दी नहीं सजा हो रही है जमानत भी हो जाती सजा भी हो रही है जमानत भी होती है नहीं, नहीं, देखा जमानत किस मामले अगर भाई आम आदमी होगा तो जेल जाएगा सुन लीजिए जमानत मिल जाती फायदा क्या कोर्ट में सजा भी हो रही है और खासकर कांग्रेस से इस तरह के बयान की अपेक्षा नहीं करते जो कांग्रेस मुख्तार अंसारी को पंजाब में संरक्षण देने के नाम पे सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को लाखों का पेमेंट कर रही टैक्स पेयर के पैसे एक अपराधी को बचाने के लिए वो बैठ करके यहाँ डिबेट में इस तरह का प्रवचन दे कि शोभा नहीं देती है बातें आप बता रहे बात तो सही है भाई मुझे भी है मुझे भी है बीजेपी टैक्स पेयर का पैसा लाखों रुपया एक अपराधी को पंजाब की यूपी ना भेजना पड़े और यह उपदेश प्रवचन दे रहे हैं उपदेश हमको नहीं चाहिए ठीक है नहीं नहीं गौरव जी देखिए विवेक जी की और भाजपा की चिंता यही है उत्तर प्रदेश को जो उसका अधिकार है आम शहरी का भयमुक्त वातावरण में जीवन यापन करने का इनके माफियाओं से मुक्ति दिलाने के संकल्प का उस सवाल का इनके ये जो सरकार में केवल झूठ बोलने के लिए इनके इनकी कलई खोलने की कोई बात करता है तो इसी प्रकार से अनर्गल प्रलाप करते हैं ये और जो मुख्य मुद्दा है जो कानून व्यवस्था का मुद्दा है जो सैद्धांतिक रूप से संवैधानिक रूप से सरकार की जिम्मेदारी बनती है सुनिए उस पर ये काम ना कर पाए इसलिए आंख में धूल झोंकने का काम करते हैं लेकिन मैं एक बात बता दूं क्वेश्चन के उत्तर में विधानसभा बताया गया है कि कितने लाख का पेमेंट कांग्रेस गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को किया मुख्तार अंसारी के मामले में अब आप बताइए अरे भाई कोर्ट की बात करिए आपके अधिकार क्षेत्र में क्या आता है आपके अधिकार क्षेत्र में सुरक्षा कायम करना आता है कि नहीं आपके जो अधिकार की बात नहीं आप वहाँ चले जा रहे हैं अब आपको अपने अधिकार का तो पता नहीं है आप अपने राम बगल में छुरी वाली बात प्रवचन किसी और आपके अधिकारी बेलगाम है आपके विधायक इनके विधायक और सांसद कहते हैं कि कोई सुनवाई नहीं है जनता की बात की कोई सुनवाई नहीं है पूरा इनका अफसरशाही तंत्र पूरा तरीके से धन वसूली करने में लगा है लोगों को दिग्भ्रमित करने में लगा है आप सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में चले जाते हैं सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट आपके अधिकार क्षेत्र की बात है अब इस पे मत बोलिए आप कानून व्यवस्था अपराधियों के मामले में बोलने की स्थिति में नहीं है सारे अपराधी आपके यहाँ चले गए नहीं सारे अपराधी आपके यहाँ चले जाएंगे तो आपको माफियाओं पर बात करने में भी आपत्ति होगी आप सारे माफियाओं का इस प्रकार से खुले दिल से स्वागत क्यों करते हैं सारे माफिया आपके साथ बगल क्यों दिखाई देते हैं सारे माफिया आप जब माफिया पर सवाल होता है तो आप क्यों चुप हो जाते हैं आप एक नाम बताइए जिस पर आपने कार्रवाई की है पार्टी का हो जो आपके आपके सांसदों विधायकों को पोषित करने का काम करता हो आप नाम बताइए आप नाम आप क्यों नहीं कार्रवाई करते हैं आप एक बराबर कार्रवाई करिए अगर आप पार्टी देख के कार्रवाई करेंगे आप धर्म देख के कार्रवाई करेंगे तो इसी प्रकार से होगा चलो ठीक है आप मुख्तार अंसारी को गले लगाने वाले लोग ना बोले अच्छा ना बोले ठीक है जनता सब जानती है ठीक है प्रोफेसर भवनवास का जोशी क्या बोला भैया बोलिए देखिए मैं कहना चाहता हूँ आप कह रहे हैं गौरव भाई आप आवाज उठाए आप आवाज कैसे योगी सरकार तो आज आवाज उठाने पे दिक्कत है देखिए परसों विधानसभा में पत्रकारों के लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पत्रकारों की क्या गलती थी जी। वो देश और प्रदेश को वहां की स्थिति को दिखाना चाह रहे थे मार्शलों ने उनकी पिटाई कर दी पुलिस ने उनकी पिटाई कर दी एक गायिका लोक गायिका ने नेहा राठौर जी ने मुख्यमंत्री के शासन प्रशासन समाजवादी पार्टी के संबंधों पे बात करिए आप पता नहीं कहाँ कहाँ की सैर करा रहे हैं प्रयागराज संबंधों बात करिए अतीक से संबंधों पे बात करिए अतीक से संबंधों की बात करिए किस तरह समाजवादी पार्टी राजू पाल की हत्या में शामिल थी ये बताइए प्रदेश ये जानना चाहता है
अच्छा आपके समय में राज्यपाल की हत्या हुई थी। अच्छा कैसे हुई थी आप बताइए, शामिल थे क्या? बिल्कुल शामिल थी समाजवादी पार्टी उस हत्या में। उसका राज खोलिए, प्रदेश ये सुनना चाहता है। आप ये शहर मत कराइए, गायिका हो कानपुर हो, ये मत करिए, विषय में बात करिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज जब सरकार के खिलाफ कोई प्रोटेस्ट करता है तो पत्रकारों को मार्शलों के द्वारा पीटा जाता है और पुलिस के द्वारा। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब कोई कविता लिख देता है सरकार के वर्तमान स्थिति पर, तो उसको भाई साहब जो है आप हुई है हत्या हुई है, और ये बेटी हत्या हुई है, समाजवादी पार्टी कार्यालय करिएगा के राष्ट्र जानना चाहता है। समाजवादी पार्टी किस तरह उस बाप में शामिल है, ये आपके मुंह से सुनना चाहते हैं। बताइए समाजवादी पार्टी कैसे उस बाप में शामिल है, ये बताइए प्रदेश को। गायन वादन समाजवादी पार्टी कार्यालय करिएगा, हम आपका ये सुनना नहीं चाहते। हम ये सुनना चाहते हैं कि राजू पाल की हत्या समाजवादी पार्टी सरकार में थी, दाड़े कैसे हुई, कैसे उसका मुकदमा लंबित रहा, बताइए ना। 12 साल तक आप लोगों ने कैसे उस मुकदमे को दबाए रखा, ये बताइए देश को, ये बताइए। ये नारा लपका मत गाइए, ये समाजवादी पार्टी कार्यालय करता होगा, ये जोशी जी बोल रहे हैं, विषय पे बात करिए। राजू पाल की हत्या समाजवादी पार्टी सरकार में कैसे हुई, ये बताइए। उसके गडर क्यों हटाया समाजवादी पार्टी सरकार ने, बताओ ना। अरे तो बताओ, समाजवादी पार्टी सरकार उसके राजू पाल के हटाए थे, नहीं हटाए थे, बताइए। उसके हस्ताक्षर किए थे, नहीं किए थे, बताइए। कैसे उसकी हत्या हुई, मैं उस समय प्रयागराज में था, मेरे सामने का विषय है वो, बताइए। विषय में बात करिए, पूरे प्रयागराज शहर में उसको दौड़ा दौड़ा की गोली मारी गई, सारी पुलिस पार्टियां उसे चाहे थी। मुलायम सिंह शिवपाल यादव उस हत्या में शामिल थे, समाजवादी पार्टी की सरकार राजू पाल की हत्या में शामिल थी। पाप को अपने सर पर धारण करो, पाप से बच नहीं पाओगे। राजू पाल की हत्या का पाप समाजवादी, ठीक है, ठीक है, हो गया ठीक है, हो गया। विनोद सिंह, ठीक है, आएंगे। विनोद सिंह देखिए सवाल है भाजपा और सपा के इस आरोप प्रत्यारोप से। मेरा हमारा विषय मुख्य है कि उत्तर प्रदेश में वातावरण। अरे वो कह रहे हैं आप प्रवचन मत दीजिए। नहीं प्रवचन, आप साहब कहाँ हैं, आप संरक्षण दे रहे थे मुख्तार अंसारी को पंजाब में। संकट तो वही है जब इनके सुप्रीम कोर्ट वकीलों पैसा दे रहे थे, साफ साफ बोल रहे हैं, जवाब जब इनके ऊपर पंजाब विधानसभा के रिकॉर्ड में है। हाईकोर्ट बोलो, पंजाब विधानसभा का रिकॉर्ड झूठा है। देखिए जब हाईकोर्ट बोलो आप, हाईकोर्ट ने इनको फटकार लगाते हुए इनके केस अपने जब वापस लेने के संदर्भ में गए। अरे अभी आप उनसे कह रहे थे उत्तर प्रदेश में बात करिए, आपकी समस्या क्या है, आप पंजाब को ले जाएंगे, मुझे लगता है। गौरव जी मैं आपके बीच में नहीं, भारतीय जनता बीच मत बोलिए, भारतीय जनता पार्टी में देखिए भारतीय जनता पार्टी को साधु बोलिए, भारतीय जनता पार्टियों को अपराधियों ने इस प्रकार से हाईजैक कर लिया है कि विवेक जी जैसे लोगों का मत धर्म हो गया है। आप नहीं कार्रवाई कर देते हैं, कार्रवाई अगर आप कराने पे आएंगे, देखिए कार्रवाई कराने पे आएंगे तो आपके मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना पड़ेगा। आप नहीं बात कर सकते, आप नहीं बात कर सकते। हाईकोर्ट ने जब हाईकोर्ट ने इनको इस प्रकार से जो मैनिपुलेशन कर रहे थे, अपने केस स्वतः वापस लेने की जो इन्होंने खेल किया था, जिलेवार जो सभी माफिया किसी मैं आपको बता रहा हूँ, चुनौती देता हूँ विवेक जी आपको, जिलेवार जितने भी माफिया थे, जिन पार्टियों में छुपाइए, आज कहाँ पार्टी की संरक्षण देने का पार्टी की शोभा बढ़ा रहे हैं, क्या है वो आपके पार्टी की शोभा बढ़ा रहे हैं, वो आपके साथ हाथ में हाथ चला रहे हैं, पाप से भागने
वो आपका महिमा मंडन कर रहे हैं। सवाल ये है कि माफियाओं ने आपकी पार्टी को हाईजैक कर दिया है। सारे संगठित अपराधी, सारे अपराधी प्रवृत्ति के लोग सब भारतीय जनता पार्टी के परोक्ष और अपरोक्ष रूप से जुड़ गए हैं। सीधे वो नहीं है तो उनके परिवार पार्टी के सांसद, विधायक और एमएलसी है। आप क्या बात करते हैं? आप प्राइम टीवी के दर्शकों को विवेक सुन समझते हैं? प्राइम टीवी का दर्शक सब जानता है, उत्तर प्रदेश का नाम बता दीजिए, नाम बता दीजिए। आप कोई कार्रवाई नहीं करते हैं, आप ठीक है हो गया। सैयद मोहम्मद तकी बोलेंगे, बोलिए। 52 मिनिस्टर में से 22 मिनिस्टर में बीजेपी पे संगीन केस लगे हैं। अच्छा। और यही अरुण योगीनाथ जी जब सांसद थे गोरखपुर से, जब उनका नाम आया था अपहरण में, मर्डर अच्छा। में इनके ऊपर संगीन धाराएं लगी थी और जब कार्रवाई की जा रही थी तो यही अरुण योगीनाथ जी संसद में रो रहे थे कि एक योगी को जीने नहीं दिया जा रहा है, उसको परेशान किया जा रहा है। और अब जो पावर में आए हैं तो ऐसे डायलॉगबाजी करते हैं जिसे लगता है क्या कर लेंगे वो। अच्छा। और कुछ भी नहीं कर पा रहे, सिर्फ लफबाजी है। अच्छा। अखबारों में बातें होती हैं और इनके आचार पर चमचे इनकी वाहवा करते हैं, बाकी धरातल पे कुछ भी नहीं हो रहा है। अच्छा। ना कानून व्यवस्था सही हो रही है, ना उद्योग आ रहे हैं, ना रोजगार बढ़ रहे हैं, ना स्वास्थ्य व्यवस्था सही हो रही है। अभी इसी इलाहाबाद के प्रयागराज कांड के बाद जब इनको गोली लगी थी, वो प्रयागराज अस्पताल में गए थे तो वहाँ चिकित्सक नहीं मौजूद थे, वहाँ पैरामेडिकल स्टाफ सही से मौजूद नहीं था, सही से इलाज नहीं हो पाया। यही इसी कांड के अंदर ये हुआ है। अभी भी आप चलिए कहीं भी उत्तर प्रदेश में, आप सही स्टेशन नहीं मिलेंगे, सही इलाज नहीं मिलेगा। बीजेपी जो बातें करती है, समय आ जाएगा कि जिले का कप्तान नहीं करता, अपराधियों को प्रताड़ित करेगा और अपनी नाजायज मांग पूरी करने के लिए बाध्य करेगा, तो उनकी हत्या करा देगा। ये स्थिति है, ये कैसी बात कर सकते हैं? पूरी तरीके से ध्वस्त नाकाम व्यवस्था है इनकी। अपराधियों के प्रवृत्ति के तहत पैसा इकट्ठा करने में केवल उत्तर प्रदेश की जनता के आगे धूल झोंकने का काम किया जा रहा है। अगर आज किसी व्यक्ति के ऊपर पीस भंग करने का आरोप लगता है, फौरन पुलिस गिरफ्तार कर लेती है उसको और जेल में ना मजिस्ट्रेट कोर्ट पे पेशी हुए, उसकी जमानत नहीं होती। अच्छा। इससे ज्यादा इससे बड़े बड़े संगीन केस लिए उन्होंने, केस को मुक्त कर लिया। ठीक है। दो साल तक, ढाई ढाई साल तक एक आईपीएस अधिकारी संदिग्ध मुख्य आरोपी वो फरार रहता है। इनकी नाकाम पुलिस, इनकी व्यवस्था, अपराधियों को संरक्षण समर्थन देने वाली, पोषण और पोषित करने वाली व्यवस्था, उत्तर प्रदेश सरकार, भारतीय जनता पार्टी उसको गिरफ्तार नहीं कर पाती है। ये कानून व्यवस्था पर बोलने के हकदार है ये? अच्छा, क्या बात करते हैं? आरोप से काम चलेगा। गौरव जी, एक बात कही जाती है, मेरा तुम्हारा कुत्ता मेरा कुत्ता टॉमी। अच्छा। जो अपराधी दूसरी पार्टी में, उसको बोला अपराधी, माफिया और क्या क्या लगा देते आरोप, लेकिन वही जब बीजेपी में चला जाता है तो उसको मंत्री बना दिया जाता है। अच्छा। उसको पद दे दिया जाता है, उसको कौन सी बात, लगातार बीजेपी हो रहा है और साझा करके पेश कर देते हैं। आप कह रहे थे कि राजनीतिक अपराध कम किया नहीं सकता, मैं आपके साथ दावा दे करके देता हूँ और संविधान की कसम खा के कहता हूँ, जिस दिन आम आदमी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में आ गई, क्या बात, उस दिन कानून व्यवस्था सही ना कर दी गई, तो आम आदमी पार्टी का नाम बदल लीजिएगा आप। अच्छा, क्या रख देंगे? 24 घंटे के अंदर, एक महीने के अंदर सारे सब लॉ, सब चीजें सही हो जाएगी और सबको पेश किया जाएगा सबूत के साथ। या सही ना कैमरे लगे ठीक से, ना यहाँ पे जांच ब्यूरो से बैठता है, ना किसी कमी है, कमी है। जोशी बोलिए। देखिए, मैं कहना चाहता हूँ, जो सरकार है वो तानाशाह हो चुकी है, ठीक है, इनका शासन प्रशासन फेल हो चुका है। पत्रकारों को बोलने नहीं देंगे, गायकों को गाना गाने नहीं देंगे जी। और लोग गायकों को अपना अपनी बात नहीं रखने देंगे। ये सरकार चाहती है कि लोकतंत्र की हत्या करने पर लगी हुई है और ये चाहती है कि संविधानिक पे जो संकट लाना चाहती है, जिस प्रकार इन्होंने ओबीसी वर्ग में करा। और मैं आपको बोलना चाहता हूँ, ये घटना कोई सामान्य घटना नहीं है। एक सुरक्षा LIU फेल हुआ है इनका, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट फेल हुई है जी। इनके साथ साथ इनका शासन प्रशासन सब फेल हुआ है और जो बुलडोजर है उसकी हवा निकल चुकी है। अच्छा, हवा निकल गई है। ठीक है बिल्कुल। जवाब दीजिए भाई। देखिए गौरव जी, जी उसको प्रदेश सरकार द्वारा सुरक्षा, अब मान जाइए आपके पास कोई जवाब नहीं भाई, बोले इस बदहाल खस्ता हाल व्यवस्था को स्वीकार कर लीजिए और जाके योगी जी को और भारतीय जनता पार्टी को, पुलिस से जुड़े हुए अधिकारियों को उनकी जिम्मेदारी संभालने का काम करिए। कुछ पैसा नहीं दिया था कांग्रेस, मेरा दिल रो रहा है, मेरी आत्मा बिल्कुल रोएगा, आप कैसी बात करते हैं, आप का
कानून व्यवस्था होते हुए आप स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। ये माफिया वाली आदत मत डालिए, अपराधियों को बचाने का काम मत करिए, संदिग्ध लोगों की पैरवी मत करिए, ये आप दूसरी पार्टी का आरोप लगाएंगे। तुरंत राजभवन जाइए और इस्तीफा देने का काम करिए। अगर आपसे नहीं होगा तो मुख्तार अंसारी के लिए अगर कांग्रेस नहीं रोएगी तो रोएगा कौन? मुख्तार का दर्द आपकी आंखों में दिखना लाजमी है, आप रोते रहिए, हम देखना चाहते हैं आप रोते हुए। मुख्तार का मुख्तार को संरक्षण देने वाले अगर रोएंगे नहीं स्कूल नहीं मिलेगा। लोगों में जो भय का बिल्कुल हमारी पार्टी बोल रही थी भाई, हमारी पार्टी बोल रही थी कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो सब अपराध खत्म कर देंगे, बोल रही भाई उन्होंने कहा। नाम बदल लीजिएगा। दिल बहलाने को गालिब ख्याल अच्छे है, मैं ये नहीं कहता। दिल्ली में किस तरह की स्थिति है, पंजाब पंजाब में उन्होंने किस तरह अपराधियों की भेंट चढ़ा दिया है, पूरी अराजकता पंजाब में। पंजाब में कोई अपराधी अपराध करके निकल नहीं सकता, जो भी अपराध अगर किसी कर दिया तो बीजेपी का पूरा वो पंजाब का बॉर्डर क्रॉस नहीं कर सकता। और पंजाब जो है पंजाब पाकिस्तान से भी लगता है, उसकी आंतरिक व्यवस्था होम मिनिस्ट्री के अंदर भी है। और अभी दिल्ली में दिल्ली में लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा किसी दिन पंजाब में जब से आम आदमी पार्टी का शासन बना है तब से जो अपराध का रिकॉर्ड है वो, और जब से भारतीय जनता पार्टी का शासन उत्तर प्रदेश में आया है, दोनों के अपराधी के एनसीआरबी के रिकॉर्डों के साथ आप डिबेट करा लीजिए। अच्छा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मैं भी चले जाता हूं आपको। जो अपनी पीठ ठोकने के बोले नाम बदल लेंगे पार्टी का, बदले ना बदले, बदले ना बदले। देखिए आम आदमी पार्टी जिस तरह झूठ बोलने के लिए जानी जाती है, अरे भाई सुन लीजिए, जल्दी जल्दी बोलिए, समय कम है, आम आदमी समय कम है, दो मिनट आखिरी दो मिनट जल्दी। आम आदमी पार्टी जिस तरह झूठ बोल के यूटर्न लेने के लिए जानी जाती है, हमें ये घटना की जिम्मेदारी आप लेंगे कि नहीं? बात ये इस घटना के लिए 10-10 टीमें बनाई गई है, टीमों से जा रहे हैं, वो परिवार जिंदा हो जाएगा क्या? परवीन, उसके बेटे अतिकामत के गुर्गे, उनके गुर्गों के गुर्गे, उनकी कब्रें खोद दी जाएंगी, मिट्टी में मिला दिया जाएगा। ये हत्या, ये जो हत्या हुई है, इसको ये बिल्कुल नहीं, सब करने से उसकी जान वापस आ जाएगी, परिवार का हो जाएगा क्या? देखिए पहले काम क्यों नहीं किया आपने? आपने पंजाब में जान लौटा दी थी क्या? आपने पंजाब में जहाँ बम चले, आपने पंजाब में वो कांग्रेस नेता की जान लौटा दी थी क्या? परम चलिए इस तरह की बात देखिए, पंजाब में आखिरी कमेंट, आखिरी कमेंट सब बोलिए बोलिए, ठीक है ठीक है बोलिए बोलिए, ताकि भाई हो गया जी, हो गया आखिरी कमेंट बोलिए। गौरव जी जी, पंजाब में जिस कांग्रेसी नेता की हत्या आम आदमी पार्टी के शासन में पहली हुई, उसकी पार्टी नहीं दिल्ली बैठ गई हुई थी, उसकी जान लौटा दी थी क्या? अच्छा, हम हम उस पे कार्रवाई कर रहे हैं, एक एक अपराधी का पूरा पूरा तंत्र निष्प्रभुत कर दिया जाएगा। अच्छा, योगी आदित्यनाथ जी ने स्वयं विधानसभा में कहा बस्ती में मिला देंगे, आप विश्वास रखिए, उत्तर प्रदेश में अपराधियों को बस्ती में मिलाने का काम योगी आदित्यनाथ जी की सरकार कर रही है और आगे करती रहेगी। एक भी अपराधी बख्शा नहीं जाएगा, देखिए एक भी अपराधी बख्शा। हो गया 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 मेरे भाई, जल्दी हो गया हो गया, ठीक है। आप सभी मेहमानों का कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। तो यह चर्चा थी पैगरा हत्याकांड को लेकर, यह चर्चा थी सदन की बहस को लेकर, यह चर्चा थी कानून व्यवस्था को लेकर। फिलहाल यहाँ भी वही हुआ जो हमेशा होता आ रहा है, केवल और केवल आरोप प्रत्यारोप, कौन कितना सही है, कौन अपराधी को संरक्षण देता है, कौन संरक्षण नहीं देता है, ये जनता भी जानती है और शायद हम जैसे खबरनवीस भी जानते हैं। फिलहाल पुरानी व्यवस्थाओं से सबक लेते हुए यहाँ पर नई शुरुआत करिए और कम से कम राजनीति में अपराधीकरण को बराबर नहीं देना है। ये वही व्यवस्था है जिसके कारण आज ये घटनाएं हो रही हैं, जो 18 साल पहले भी हुई थी वो आज भी हुई है। अगर राजनीति में अपराधी को आप एंट्री कराएंगे तो इस तरह की घटनाएं सामने आती रहेंगी। अब वास्तव में भारतीय राजनीति को स्वच्छ रखना है और इस तरह की घटनाओं से परहेज रखना है कि इस तरह की घटनाएं हमारे समाज को निंदा के लिए मजबूर ना करें। उसके लिए सबसे पहले राजनीति में अपराधीकरण को रोकिए, तभी व्यवस्था दुरुस्त होगी, नहीं तो ऐसी घटनाएँ आपको हमको दोनों को मुँह चढ़ाती रहेंगी। संवेदनशीलता के लिए, कानून व्यवस्था के लिए और गतिरोध के लिए, गतिरोध विकास का, गतिरोध व्यवस्थाओं का। तो आज की चर्चा में इतना ही, नमस्कार। कुछ भाव पुष्प
आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस।